गुड गेम प्रेजेंट्स T20 बायो बबल ऑन cricketnews.com। मेरा नाम है सुमित बिलगी, जुड़ रहे हैं हमारे साथ मनविंदर बिस्ला। आज हम बात करेंगे अबाउट द एलिमिनेटर, बैंगलोर वर्सेस हैदराबाद। इट्स हैपनिंग ऑन द 6th, इट्स अ बिग बिग गेम। लेकिन उसके पहले लेट्स टॉक अबाउट क्वालिफायर 1 बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। मनविंदर, मुंबई ने पकड़ ली फास्ट मेट्रो, इनफैक्ट पकड़ ली फास्ट लोकल और सीधा पहुंच गए ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द फाइनल्स। लेकिन दिल्ली की मेट्रो शुरू हुई, रुक गई और फिर रुकी गई। अगर आप आज मैच भी देखेंगे ना, तो उससे साफ पता चलता है कि दिल्ली के पास जो एक्सपीरियंस की कमी है ना क्वालिफायर्स के अंदर, वो आज थोड़ी सी झलकी है। और वहीं अगर आप मुंबई इंडियंस की बात करते हैं, तो जो एक्सपीरियंस है उनके पास प्ले ऑफ में खेलने का या चार बार चैंपियन बनने का, जब उनको पता होता है कि ये मैचेस डू एंड डाई है, मतलब आपको यहाँ मैच आप जीतते हैं तो आप सीधा फाइनल में खेलने का मौका मिल रहा है आपको। तो जिस तरीके से वो आज शुरुआत करी उन्होंने पावर प्लेज में, चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो, मजा आया उनका आज पूरा ओवरऑल गेम देख के बहुत मजा आया। जैसी बैटिंग करी सूर्य कुमार यादव ने, क्विंटन डिकॉक ने, और जो फिनिशिंग टच दिया पूरी इनिंग को हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने, जी बहुत मजेदार परफॉर्मेंस थी। और उनके जो एक टीम मैनेजमेंट भी होगी ना, बहुत खुश होगी क्योंकि कंप्लीट परफॉर्मेंस थी। बॉलर्स ने एक अपना अच्छा काम किया, बैट्समैन ने अपना अच्छा काम किया, और एक ओवरऑल जो आप गेम की बात करते हैं, वो आज कंप्लीट गेम देखने को मिला। हमारे प्रीव्यू में आपने बात किया था कि बुमराह का कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और द फैक्ट दैट बुमराह को जैसे इस्तेमाल करते हैं रोहित और पोलार्ड, वो बहुत ही क्रूशियल होगा। हमने देखा कि पहले ओवर में ऑब्वियसली बोल्ट ने चटकाए दो विकेट पहले ही ओवर में, फिर लेकिन बुमराह का जो विजुअल बाद में आया मनविंदर of getting Shikhar Dhawan for that yorker on leg stump, I don't think there has been a better visual in this IPL, speaking from the perspective of a bowler, of course. बहुत मजेदार गेंदबाज हैं और वो कितने exciting गेंदबाज हैं ना, उनको जब भी वो, अगर आप T20 की बात करते हैं, especially अगर IPL की बात करते हैं, तो जब भी आप उनको, जिस तरीके से मुंबई इंडियंस उनको यूज करती है और जब भी वो गेंदबाजी करने आते हैं ना, तो आपको लगता है कि अब मुंबई इंडियंस थोड़ी सी फंसी हुई है या उनको विकेट की जरूरत है, और वो बुमराह की तरफ देखते हैं। और बुमराह ने कभी निराश नहीं किया उनको लगातार कितने सालों से, जब टीम को जरूरत होती है वो आते हैं और विकेट निकालते हैं। आज क्रूशियल मुकाबला था, क्वालिफायर था, आपको यहाँ पे आप मैच जीते हैं, आप फाइनल में जा सकते हैं, और ये बात मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट रोहित सब जानते हैं, इसलिए आप देखेंगे आज उनको नया गेंद दिया। बहुत मैचेस में ऐसा भी होता है कि उनको आप देखते हैं पांचवा छठा ओवर पावर प्ले में करते हुए, लेकिन आज उनको शुरू के विकेट्स बहुत जरूरी थे, इम्पोर्टेंट। वो चाहते थे कि दिल्ली की टीम के ऊपर प्रेशर डालना शुरुआत से, और वही जहां बोल्ट ने दो विकेट लिए अपने पहले ओवर में, वही बुमराह ने जैसे ही आए नई गेंदबाजी करने, उनके हाथ में विकेट, पहले शिखर धवन को आउट किया, श्रेयस अय्यर को आउट किया, फिर और उसके बाद जैसे ही सेकंड स्पेल में लेके आए पुराने गेंद से, जब एक सेट बल्लेबाज स्टोइनिस के रूप में आउट किया उनको, और स्टोइनिस को जिस तरीके से आउट किया ना, वो मजा आया देख के, क्योंकि उनका बैट आया भी नहीं था उससे पहले स्टंप्स को गेंद लगी थी जाके। जी, एट अ पॉइंट फुटबॉल का स्कोर लग रहा था 0-3 मुंबई के इस पे, इट वाज 3 एंड दिल्ली वाज 0। ऐसा लग रहा था कि इंडियन सुपर लीग ऑलरेडी शुरू हो गया, लेकिन वी वर स्टिल वाचिंग द आईपीएल। बेहतरीन परफॉर्मेंस लाजवाब बाय मुंबई इंडियंस, सीधा फास्ट लोकल पकड़ के पहुंच गए फाइनल। बैठेंगे आराम से 5-6 दिन और फिर देखेंगे कि पहुंचता कौन है फाइनल में। दिल्ली ऑफ कोर्स हैव एन अपॉर्चुनिटी टू हैव अनदर क्रैक एट इट व्हेन दे टेक पार्ट इन ऑब्वियसली क्वालिफायर 2। लेकिन उसके पहले मनविंदर, देयर इज अ स्मॉल मैटर ऑफ द एलिमिनेटर व्हिच इज बिटवीन बैंगलोर एंड हैदराबाद। मनविंदर, ये मैच बहुत ही स्पेशल है क्योंकि अगर आप जीतते हैं देन यू हैव अ चांस, लेकिन हारते हैं देन इट्स टाटा बाय बाय। तो प्रेशर कितना होता है इन मैचेस? जी हाँ, प्रेशर तो बहुत होता है कि एक आप अच्छी, आपकी टीम ने और आपने एक खुद भी एक अच्छी क्रिकेट खेली होती है, तभी आप एक टॉप फोर में जगह बनाते हैं। और टॉप फोर में जब आप आते हैं, फर्स्ट और सेकंड नहीं है, तो आप जो अभी एलिमिनेटर की बात कर रहे हैं, थर्ड और फोर्थ, तो ये नॉकआउट मैचेस हैं आपके लिए और आपकी टीम के लिए। आप अगर जी, आपको एक आईपीएल चैंपियन बनने की, आप जो एक आपने ड्रीम देखा होता है सीजन स्टार्ट होने से पहले, तो इस ड्रीम को पूरा करने के लिए अब आपको 3 नॉकआउट मैच हैं और ये तीनों मैच जीतने पड़ेंगे, तो एक ऑब्वियसली प्रेशर आता है इस चीज का। लेकिन वही जितनी बात है कि जितने अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो मेंटली उनको पता होता है, इसलिए तैयारी उन्होंने करी होती है और बार बार लगातार अपने कैरियर में इन चीजों से, सिचुएशन से निकले होते हैं,
तो जितना वो कामली इस चीज को देखते हैं और जितना फ्रीडम से अपना या अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे ग्राउंड में, वही टीम बेहतर खेलेगी। Absolutely, and I think अगर दोनों टीमों के बारे में हम देखें and we take a look at what their form has been like, completely contrasting forms, Manvinder. Bangalore एक तरफ तो चार matches हार के आ रहे हैं into the playoffs, which is obviously a testament that they had a very good first half of the tournament, लेकिन second half में not so much. लेकिन Hyderabad on the other hand, you know, at a point were on seventh position, ऐसा लग नहीं रहा था कि qualify करेंगे, लेकिन three back-to-back wins से, you know, आ गए हैं into the playoffs. So बहुत ही contrasting forms लेके आ रहे हैं दोनों teams. आपको जिस तरीके से दोनों की टीमें हैं ना, जैसे अभी आपने बात भी करी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इस टूर्नामेंट के फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छे फॉर्म में थे, बॉलिंग बैटिंग सब कुछ बहुत अच्छे से चल रही थी उनकी, और अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस आईपीएल के अंदर हमने विराट कोहली का बेस्ट दिखा नहीं है, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनका टूर्नामेंट ऑफ जा रहा है, बाकी किसी अच्छे खिलाड़ी के हिसाब से बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, बट लेकिन विराट कोहली के हिसाब से थोड़ा सा टूर्नामेंट थोड़ा सा फीका है उनके हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद ये अच्छी बात है कि वो प्लेऑफ में है, क्योंकि देवदत्त पाडिकल ने बहुत अच्छा काम किया है, असिस्टेंट रहे हैं इस सीजन में, जो एक फॉर्म उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में देखी गई थी इस बार डोमेस्टिक T20 में या डोमेस्टिक 50 ओवर्स के टूर्नामेंट में जब कर्नाटक चैंपियन हुई थी, उसी फॉर्म को कंटिन्यू किया उन्होंने आईपीएल के अंदर भी। डिविलियर्स ने कुछ अच्छे नॉक्स खेले हैं, लेकिन जब से मॉरिस आयन ने एक नई गेंद संभाली है, उनकी जो गेंदबाजी की बात करते हैं ना, उसमें भी थोड़ा सा आपको दिखा है कि नहीं, एक चेंजेस दिखे हैं कि आपको लग रहा है कि डिफरेंट सेटअप है, डिफरेंट तरीके से गेंदबाजी हो रही है, क्या आप देखते हैं नवदीप सैनी, युजवेंद्र चहल, ये गेंदबाज ऐसे हैं कि पिछले दो साल से लगातार अच्छा कर रहे थे, लेकिन इनको इनके साथ कोई अच्छा काम नहीं कर रहा था, वो आप मॉरिस को देखते हैं, आप वॉशिंगटन सुंदर को देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे बॉलिंग यूनिट को, एक अच्छी टीम है, मैं मानता हूँ थोड़ा सा फॉर्म को जरूर लूज किया है उन्होंने इस लास्ट चार पांच मैचेस में, बट एक अच्छी टीम है, एक अच्छा लीडर है उनके पास जी, थोड़ा सा मैं कहूंगा कि प्लेऑफ्स में के हिसाब से एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, पर एक लगातार बहुत अच्छी टीम है। वहीं आप सनराइजर्स हैदराबाद की बात करते हैं, कमाल की परफॉर्मेंस करी उन्होंने, और जब शुरुआत जब मैचेस हुए थे तो लग नहीं रहा था, मिचेल मार्श की इंजरी, देन भुवनेश कुमार उनके जो स्ट्राइक बॉलर थे वो इंजर्ड हो गए, और काफी जब यंग खिलाड़ी थे मिडल ऑर्डर में, लेकिन उसके बावजूद भी विजय शंकर भी इंजर्ड हो गए, और जब आपने देखा कि इस टीम के अंदर जेसन होल्डर आए हैं, रिद्धिमान साहा हैं, इन दोनों खिलाड़ियों ने ना जैसे मोमेंटम ही चेंज कर दिया। बिल्कुल, रिद्धिमान साहा ने काफी अच्छी शुरुआत करी है, कंसिस्टेंट और अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं जब से ओपनिंग संभाली है उन्होंने वार्नर के साथ। वार्नर तो पिछले लगातार 6 सालों से 500 रन बनाते ही हैं, बट उनके साथ भी पिछले साल तक बेस्ट दे रहे थे, इस साल साहा ने बहुत दिया है जब टीम को जरूरत थी जी। और भाई राशिद खान, जेसन होल्डर, एक अच्छी टीम है, और एक ये ऐसी टीम भी है ना कि जिसके पास प्लेऑफ का एक्सपीरियंस है, पिछले 5 साल से लगातार क्वालिफाई करते हैं प्लेऑफ्स में, एक बार चैंपियन भी बने हैं, और इस बार कोशिश जरूर उनकी ये होगी खाली प्लेऑफ में क्वालिफाई करने से खुश ना हो, थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश होगी। आप जान के हैरान होंगे मनिंदर कि आफ्टर चेन्नई एंड मुंबई, सनराइजर्स हैदराबाद आर द फ्रेंचाइज टू क्वालिफाई फॉर द मोस्ट टाइम्स फॉर द प्लेऑफ्स। तो एब्सोल्युटली जैसे आपने कहा, इट्स अ वेरी कंसिस्टेंट यूनिट, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट यूनिट्स, और हैदराबाद में मैचेस देखने में भी बहुत मजा आता है एट द राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। राशिद जब आते हैं बॉलिंग करने तो फुल क्राउड इज इन कंप्लीट एक्साइटमेंट, द सेम फॉर विलियमसन, द सेम फॉर नबी, द सेम फॉर वार्नर। तो ओवर द इयर्स दे हैव बिल्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोर यूनिट, इजंट इट? चार पांच इनके सेट हैं फॉरेनर्स, कुछ इंडियंस भी सेट है, और इनके साथ दे प्ले कंसिस्टेंट क्रिकेट, और ये जो बंदे हैं दे परफॉर्म वीक इन वीक आउट। अगर आप वार्नर की बात करें, राशिद की बात करें, भुवनेश्वर की बात करें, विलियमसन की बात करें, ये चार जो हैं दे आर द पिलर्स ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर डेविड वार्नर, राशिद खान, विलियमसन, भुवनेश्वर कुमार, ये चार खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके बाकी जो 7 खिलाड़ी हैं वो इनके आसपास खेलते हैं जी। और जिस तरीके के लीडर हैं ये, आप देखते हैं भुवनेश्वर कुमार को अपने साथ गेंदबाज में तेज गेंदबाजों के साथ लगातार बात करते रहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वहीं एक राशिद खान स्पिनर्स को लीड करते हैं,
क्योंकि उनको पता है कि एक सीनियर गेंदबाज हैं वो, और जो उनके जो 7 स्पिनर्स हैं वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास जी। कुछ लास्ट एक दो मैचेस उन्होंने नदीम को जरूर चांस दिया, जो कि काफी सीनियर प्लेयर हैं और काफी सालों से अच्छा करते आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। लेकिन जी। उसके अंदर आप देखते हैं राशिद खान ही इस अटैक को हमेशा लीड करते हुए देखते हैं स्पिनर्स में। वहीं आपके पास दो सीनियर फॉरन बल्लेबाज हैं, विलियमसन और डेविड वार्नर, जो एक दोनों के दोनों प्लेयर्स जाने जाते हैं कंसिस्टेंसी के लिए। लेकिन इसके आसपास मनीष पांडे का रोल बहुत अच्छा रहा है, इस साल उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग करी है। जब से पिछले साल तक मुझे ऐसा लग रहा था कि सनराइजर्स उनको अच्छे से यूज नहीं कर रही है, थोड़ा सा नीचे बल्लेबाजी करा रही थी, लेकिन इस साल की शुरुआत से उनको नंबर 3 का स्थान दिया गया है और उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। विजय शंकर भी जितना भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिली है उनको उन्होंने इम्पैक्ट डाला है इस पे। लेकिन एक और खिलाड़ी जेसन होल्डर और रिद्धिमान साहब, मैं बार बार कहूंगा ये दो खिलाड़ी जब से इस टीम के अंदर वापस आए हैं इन्होंने बिल्कुल मोमेंटम चेंज किया है इस टीम का। बिल्कुल absolutely. एक चीज बहुत ही you know, it's very very apparent and very visible in Hyderabad की इनका ना जो लीडरशिप कोर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पास ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, फॉर्मर कैप्टन मैं कहना चाहूंगा वार्नर में, यू हैव विलियमसन, यू हैव वेस्ट इंडीज के कैप्टन जेसन होल्डर, प्रियम गर्ग अंडर 19 के कैप्टन, तो कैप्टन्स ही कैप्टन्स भरे हैं इनके पास एंड लीडरशिप कोर बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप दूसरी ओर देखें मनविंदर टूवर्ड्स आरसीबी, तो ऐसा लग रहा था ओवर द इयर्स कि एबी डिविलियर्स और विराट कोहली पे बहुत ही ज्यादा निर्भर रहे हैं फॉर लीडरशिप। इस साल हाउएवर एरन फिंच को लेके आए हैं, माइक हेसन को लेके आए हैं एज यू नो एज डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस, साइमन कैटिच आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि लीडरशिप कोर थोड़ा सा आरसीबी में भी बिल्ड हुआ है और रिजल्ट्स दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक अच्छा लीडर बनने के लिए जरूरी है कि आप किसी टीम को या किसी इंटरनेशनल टीम के कैप्टन ही होने चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि एबी डिविलियर्स को भी अगर आप कैप्टनसी देखें तो बहुत सालों से नहीं करी है उन्होंने, लेकिन मैं भी आरसीबी का पार्ट था, मुझे पता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस टीम के अंदर एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए लीडर, हमेशा यंगस्टर से लगातार बात करते रहते हैं। सेम चीज आप विराट कोहली के बारे में कह सकते हैं कि कोई भी अगर यंगस्टर उस टीम के अंदर है तो वो जाके विराट कोहली से बात कर सकता है और विराट कोहली हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। एरन फिंच, इस बार उन्होंने एक और सीनियर खिलाड़ी को इस टीम में जगह बनाई है उन्होंने। क्रिस मॉरिस के पास भी बहुत एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, और आप युजवेंद्र चहल को भी आप कह सकते हैं कि एक, मैं नहीं मानता कि आप उनको एक कहेंगे कि युवा खिलाड़ी हैं और उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सालों से लगातार इस फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं और हर साल विकेट लेते हैं, तो भी एक एज ए लीडर ही इस टीम के अंदर है। और एक बिल्कुल चेंजेस हैं, आप देखते हैं कि पिछले दो कई सालों से एक एबी डिविलियर्स और विराट कोहली ही इस टीम को एक लीडर लगते थे, उनके आसपास वो एक स्ट्रांग यूनिट नहीं लगती थी, लेकिन इस बार यंग यंग खिलाड़ियों ने भी इस चीज की जिम्मेवारी उठाई है और इस टीम को एक नई दिशा दिखाई है। अगर मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं इन दोनों टीम्स का एट दिस वेन्यू, सनराइजर्स खेले हैं 3 मैचेस, जीते हैं सिर्फ 1, बैंगलोर खेले हैं 4, जीते हैं सिर्फ 2, तो रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है। दोनों टीम्स, विल दे बी नर्वस हेडिंग इनटू दिस गेम? ये तो जरूर चेंज होगा, क्योंकि दोनों ही टीमों को अगर आप देखेंगे ना तो एक अगर वहां पे 2 मैच जीते तो सिर्फ दूसरी टीम में 1 ही मैच जीता है, तो एक टीम तो खुश जरूर होगी, चाहे वो सनराइजर्स हैदराबाद हो चाहे बैंगलोर हो, तो एक टीम का रिकॉर्ड जरूर चेंज होगा और स्टेडियम से कर लो बहुत खुशी खुशी जाएंगे। हमने टॉस के बारे में बात किया था ऑन द क्वालिफायर 1 प्रीव्यू ऑफ कोर्स, लेकिन उल्टा हुआ वहां पे, जो टीम जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट करी वो जीत गई और हम सोचते हुए रह गए। लेकिन यहाँ पे मनविंदर, हम अबुधाबी में अक्सर देख रहे हैं कि द टीम दैट चेजेस इज डूइंग रीजनेबली वेल। Teams that have played in Abu Dhabi have sort of always preferred chasing and have done well. You know, अगर आप मुंबई इंडियंस की बात करें versus RCB, then RCB का बहुत ही बुरा loss था in that game, जहाँ पे सूर्य कुमार यादव did so very well for Mumbai and RCB faced such a big defeat. तो वो mind में होगा विराट कोहली के कहीं तो कि पिछले मैच में जब हम खेले थे यहाँ पे तो you know we lost that game when we were defending a total. नहीं, अभी आप कुछ मैचेस से देख रहे हैं कि ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा है सारे मैचेस में, सारे ग्राउंड्स में, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। जो जितने भी कैप्टन टॉस जीत रहे हैं वो हर डिसीजन, अगर आप लास्ट के काफी मैचेस में देखेंगे तो सबका डिसीजन यही था कि हम टॉस जीत के पहले फील्डिंग करते हैं, क्योंकि गेंद गीला हो जाता है और कभी बॉलर्स के लिए आसान नहीं होता एक गीले गेंद के साथ गेंदबाजी करना। वो अलग बात है कि आज जैसे
मुंबई इंडियंस ने जो काम किया, क्योंकि उन्होंने रन्स बहुत अच्छे बोर्ड पे लगा दिए थे, कभी भी 200 का टारगेट कितना भी ड्यू हो कुछ भी हो, 200 का टारगेट चेज करना एक प्रेशर गेम के अंदर कभी भी आसान नहीं होता किसी भी टीम के लिए। तो मुझे कल भी लगता है कि जो भी कैप्टन होगा वो टॉस जीता है तो वो हमें चेज करने का ही प्लान करेगा, क्योंकि ड्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और अगर आप दोनों ही टीमें देखेंगी, दोनों टीमें ही गेंदबाज जो हैं उस स्विंग पे काफी निर्भर हैं। प्लानिंग की बात करी मनविंदर ने, प्लानिंग भी आप भी कर सकते हैं घर पे बैठे हुए अपने फोन्स के साथ। डाउनलोड कीजिए गुड गेमर ऐप और खेलिए डेली कॉन्टेस्ट। और ये कॉन्टेस्ट के लिए मनविंदर बिस्ला की 11 क्या है आप पता लगाते हैं। मनविंदर बताइए, व्हाट विल बी योर गुड गेमर 11 फॉर बैंगलोर वर्सेस हैदराबाद? मेरी गुड गेमर 11 होगी, मैं शुरुआत जरूर करना चाहूंगा डेविड वार्नर के साथ, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर हैं कि हमेशा ही कंसिस्टेंट रहे और वही मेरी टीम के कप्तान भी होंगे जी। और साथ में जो उनके साथ पिछले 4 मैच से लगातार बहुत अच्छी ओपनिंग करते हैं रिद्धिमान साहा, बहुत ही इंपैक्ट प्लेयर हैं और वही मेरी टीम के विकेट कीपर भी होंगे। तीसरे नंबर पे देवदत्त पाडिकल, इस सीजन के अगर मैं कहूंगा एक किसी एक प्लेयर ने बहुत अच्छी छाप छोड़ी है पूरी आईपीएल के अंदर आरसीबी की तरफ से तो वो है देवदत्त पाडिकल। 4 नंबर पे विराट कोहली, जो कि मुझे लगता है कि लंबे रन ड्यू हैं इस टूर्नामेंट के अंदर और वो कल पूरी कोशिश होगी उनकी कि कल ही वो एक जो रन ड्यू हैं आरसीबी की तरफ से उनके लिए वो कल ही अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं जी। 5वें नंबर पे फिर आएंगे शिवम दुबे, एक अच्छे होनहार खिलाड़ी हैं आरसीबी के लिए। राशिद खान और मेरी टीम के वाइस कैप्टन, बहुत ही कमाल के लेग स्पिनर हैं। युजवेंद्र चहल, एक और अच्छे गेंदबाज स्ट्राइक बॉलर हैं, विकेट लेते हैं आरसीबी के लिए। क्रिस मॉरिस, इस साल काफी प्रभावित किया उन्होंने, नए गेंद से अच्छी गेंदबाजी करी है और बल्लेबाजी भी करते हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं टीम के लिए। और एक और मैं ना लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाना चाहूंगा नदीम के रूप में, क्योंकि वो अच्छी ऑप्शन है और पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी करी थी उन्होंने, फॉर्म में है जी, फॉर्म में है। और संदीप शर्मा, लाजवाब गेंदबाजी करी उन्होंने नई बॉल से इस पूरे आईपीएल के अंदर, अगर आप देखेंगे बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट किया है आप बहुत कम देखते हैं कि गति ज्यादा नहीं है लेकिन उनके पास जो स्विंग है उनके हाथ में बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करते हैं उसको और बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट, बड़ी विकेट दिलाते हैं अपनी टीम के लिए। मनविंदर बिस्ला की 11 तो आपने देख ली, तो जाइए फटाफट डाउनलोड कीजिए गुड गेमर ऐप, goodgamer.in पर जाइए डाउनलोड कीजिए और ये 11 चुनेंगे तो कैश जरूर जीतेंगे, जाइए जल्दी और डाउनलोड कीजिए ऐप। और गुड गेमर प्रिडिक्शन भी आपने कर लिया मनविंदर, लेकिन अभी फाइनल प्रिडिक्शन कर ही लीजिए, कौन जीतेगा, कौन घर चला जाएगा और कौन आगे चला जाएगा टूर्नामेंट? बहुत ही मुश्किल होगा प्रेडिक्ट करना क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत अच्छी हैं और बहुत ही मतलब अब मैं कहूंगा ना कि एक टीम ने शुरुआत की आईपीएल में बहुत अच्छी फॉर्म दिखाई थी और एक टीम ऐसी है कि जो लास्ट के सीरीज में ना जब बहुत अच्छी फॉर्म दिखाई है, तो इसलिए मैं जो अगर मेरी अगर प्रेडिक्शन होगी वो थोड़ा सा सनराइजर्स की तरफ जाएगी, क्योंकि जो लास्ट के टाइम में जो एक अच्छा मोमेंटम लेके आ रहे हैं वो अच्छी फॉर्म में है और खिलाड़ी ज्यादातर उनकी अच्छी फॉर्म में है, तो मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि सनराइजर्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, बट आप आरसीबी को इस मैच से बाहर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं उनके पास। बिल्कुल, पलड़ा तो ऑब्वियसली हैदराबाद का भारी है, पलड़ा भारी हमने मुंबई का भी बोला था, मुंबई जीत गई, अब हैदराबाद का कह रहे हैं, हैदराबाद भी शायद जीत जाए क्या पता, लेकिन आपको जरूर ये पता होना चाहिए कि क्रिकेट न्यूज और गुड गेमर रहेंगे आपके साथ थ्रू आउट द प्लेऑफ्स, एट द फाइनल, बियॉन्ड द फाइनल एज वेल। मनविंदर बिस्ला रहेंगे हमारे साथ, मैं रहूंगा आपके साथ, मेरा नाम सुमित बिलगी, आप देख cricketnews.com और जुड़े रहिए हमारे साथ थ्रू आउट द प्लेऑफ्स। थैंक यू मनविंदर फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस, थैंक यू।